नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 20 अक्टूबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। रसोई गैस की आपूर्ति में आ रही है परेशानियां। त्योहारी सीजन आते ही कई जिलों में गैस की किल्लत अक्सर देखने को मिलती है। आपूर्ति नहीं होने के कारण कई एजेंसियों पर सुबह से उपभोक्ताओं की कतार लगनी शुरू हो जाती है। त्योहारों के कारण सिलेंडर की मांग तो काफी बढ़ी गई है, मगर इसकी तुलना में आपूर्ति 20-30% तक कम की जा रही है। ऑर्डर के 15 दिन बाद भी गैस उपभोक्ताओं के पास नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। पंचायतों में अब होगी 12वीं की पढ़ाई शुरू। बिहार में उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के लिए प्रचार प्रसार करने बेलहर पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यह ऐलान किया है कि राज्य की सभी पंचायतों में 20 अप्रैल से 12वीं की कक्षा की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी, जिसके लिए राज्य में 20 अप्रैल से पहले सभी पंचायतों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की सुविधा बहाल कर दी जाएगी। विद्यालयों का निर्माण पूरा होते ही 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा दी जाएगी। बिहार के नदीम खेलेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज में। बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी शाहबाज नदीम के भारतीय टेस्ट टीम में खेलने का सुनहरा अवसर प्राप्त किया है। भारतीय क्रिकेट टीम में स्पेशल ब्रांच के डीएसपी पद से सेवानिवृत्त नदीम के पिता जावेद महमूद बेटे की इस उपलब्धि से खुश होकर उन्होंने कहा है कि भारत के लिए खेलने का जो वादा नदीम ने हमसे किया था, उसे आज पूरा कर दिया। हमें गर्व है कि नदीम हमारा बेटा है। राजद नेता रामचंद्र पूर्वे ने राबिया खातून को बताया जमीनी नेता। राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने नाथनगर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी ने राबिया खातून को टिकट दिए जाने पर कहा है कि राबिया खातून जमीनी नेता है। इसी कारण राबिया को टिकट देने पर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। राबिया जमीन से जुड़ी बहादुर महिला है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व सांसद बुलो मंडल को नाथनगर विधानसभा के उपचुनाव का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। जमीन रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव से परेशान हुए लोग। सरकारी स्तर पर जमीनों की रजिस्ट्री में हुए बदलाव से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह हो गई है कि लोग अपने नाम की जमाबंदी तथा करंट रसीद वाली जमीन की रजिस्ट्री करने आते हैं और कातिब चलान की राशि भी जमा कर देता है, मगर ऐन मौके पर रजिस्ट्रार से पता चलता है कि जमीनों की रजिस्ट्री नए नियम के तहत नहीं की जा सकती। साउथ एशियाई ड्रैगन बोर्ड चैंपियनशिप में जाएंगे समस्तीपुर के संजय। समस्तीपुर के छोटे से गांव में रहने वाले संजय विश्व पटल पर साउथ एशियाई ड्रैगन बोर्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। संजय राय का कहना है कि वो अपने देश अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। इस खबर के बाद गांव भर में खुशी का माहौल है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण संजय प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर पाने के कारण काफी चिंतित भी हैं। राजनाथ सिंह ने किया बड़ा ऐलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया है कि रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि देश में सभी सैनिक स्कूलों में लड़कियों को प्रवेश भी अब करवाया जाएगा। सशस्त्र बलों के लिए लीडर तैयार करने वाले सैनिक स्कूल अब लड़कियों को भी तैयार करने का काम करेंगे। आपको बता दें, मिजोरम में स्थापित सैनिक स्कूल छिंगछी में 2 साल पहले लड़कियों के प्रवेश के लिए पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद यह फैसला लिया गया है। अब सीएनजी पर चलाई जाएंगी कमर्शियल गाड़ियां। प्रदूषण की बढ़ती रफ्तार पर नियंत्रण पाने के लिए बिहार सरकार ने सभी कमर्शियल गाड़ियों को सीएनजी पर चलाने का निर्देश दिया है, जिसकी शुरुआत राजधानी पटना से की जाएगी। परिवहन विभाग के अनुसार बिहार में पंजीकृत वाहनों की संख्या पिछले 11 सालों में 6.5 गुना से 9,50,120 तक बढ़ गई है, जिस कारण प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार पटना को दुनिया का 7वां सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। महाबोधि पुरुषोत्तम की रफ्तार बढ़ी। गया डीडीयू रेलखंड पर अब हाई स्पीड से ट्रेनों का परिचालन होने लगा है, जिसके बाद गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस और पुरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से परिचालित हुई। इसी क्रम में रेलवे विभाग जल्द ही लगभग 2 दर्जन और एक्सप्रेस मेल ट्रेनों की स्पीड में बढ़ोतरी करेगा। स्पीड बढ़ने के साथ ही अब यात्रियों को यात्रा करने में भी सावधानी बरतने की जरूरत होगी, नहीं तो जरा सी भी लापरवाही बरती गई तो उनकी ट्रेन छूट सकती है। सुपौल रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का परिचालन जल्द होगा शुरू। सुपौल वासियों के लिए खुशखबरी। लंबे समय से शांत पड़े सहरसा फारबिसगंज रेलखंड के सहरसा सुपौल स्टेशन पर जल्द ही ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। इसी महीने सीआरएस निरीक्षण के बाद ट्रेनों का ट्रायल किया जाएगा, जिसके बाद अगले महीने से ट्रेनों की सीटियां इस रेलखंड पर सुनाई देने लगेगी। आपको बता दें, इसी साल 8 मार्च से सहरसा से गढ़बरुआरी के बीच गाड़ियों का परिचालन शुरू हो चुका है। अब गढ़बरुआरी से सुपौल के बीच भी ट्रेनों का परिचालन जल्द शुरू किया जाएगा।
स्टाफ नर्स समेत 185 पदों के लिए निकाली गई रिक्तियां। सेंट्रल काउंसिलिंग फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस ने विभिन्न श्रेणी के 185 पदों पर रिक्तियां निकाली हैं, जिसमें रिसर्च ऑफिसर, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, स्टाफ नर्स, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट समेत अन्य पदों पर नियुक्तियां निकाली गई हैं। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीएससी, जीएनएम, एमडी, एमबीएससी, एमफार्मा, एमएससी, मास्टर्स की डिग्री होना अनिवार्य है। इन पदों पर आवेदन भरने के लिए आवेदन शुल्क विभिन्न श्रेणियों के हिसाब से 200 से 1500 रुपए होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी www.ccras.nic.in पर जाकर 31 अक्टूबर से पहले आवेदन भर सकते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट से मार्च से हवाई जहाज की उड़ान की संभावना। स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर एवं मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव के दावे के अनुसार सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मिथिलांचल के लोग जल्द ही अपने नजदीकी एयरपोर्ट दरभंगा से उड़ान भर सकते हैं। दरभंगा वायुसेना ने एयरपोर्ट के निर्माण कार्य निरीक्षण किया, जिसके बाद सांसद ने कहा कि भारत सरकार इस एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवा रही है, मगर संवेदक की लापरवाही के कारण निर्माण पूरा होने में विलम्ब हुआ। पटना लॉ कॉलेज को मिला बी डिग्री। एनएससी की टीम ने पटना लॉ कॉलेज को बी डिग्री दिया है। साथ ही साथ टीम ने पटना लॉ कॉलेज को 2.9 अंक दिए हैं। आपको बता दें, महज कुछ पॉइंट से पिछड़ने के कारण पटना लॉ कॉलेज को बी डिग्री की श्रेणी में डाल दिया गया है। पटना लॉ कॉलेज को एनएससी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2.71 अंक दिया था, वहीं टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन के लिए 2.46 अंक दिया था, रिसर्च इनोवेशन में 2.29 अंक, वहीं विद्यार्थियों की सुविधा के लिए 0.94 अंक और कॉलेज प्रबंधक को 1.55 अंक दिया गया था। बिहार के श्लोक छा गए एमटीवी पर। बिहार के दरभंगा के श्लोक ने मुंबई में एमटीवी में जलवा बिखेर कर अपना परचम लहराया है। टॉप 5 में उन्होंने स्थान बनाकर बिहार के साथ साथ दरभंगा का नाम भी रोशन किया है। एमटीवी पर प्रसारित होने वाले रैप शो हसल में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वहीं टॉप 5 में शामिल होने वाले कंटेस्टेंट को सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों की कतार लग गई है। एनआईए को लेकर ट्रेनों के परिचालन में हुआ बदलाव। प्री एनआईए एवं एनआईए कार्य होने के कारण 20 से 30 अक्टूबर तक सोनपुर मंडल के हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के घोसवर भगवानपुर सेक्शन में ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया जाना है। कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है, वहीं कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप इस रूट से गुजरने वाली 5 ट्रेनों का परिचालन रद्द, 3 ट्रेनों का आंशिक समापन प्रारंभ, 9 ट्रेनों का परिवर्तित मार्ग से परिचालन, वहीं 3 ट्रेनों के परिचालन को निर्धारित समय पर परिचालित करने का निर्णय लिया गया है। एक सदस्य के पहचान पर पूरे परिवार की मतदाता सूची होगी अपडेट। इलेक्शन कमीशन ने मतदाताओं के वेरिफिकेशन अभियान की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग के नए नियम के अनुसार अब एक परिवार के सभी सदस्यों के सत्यापन के लिए अलग अलग पहचान से जुड़े दस्तावेजों के आकलन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि परिवार के मुखिया के प्रमाण पत्र के आधार पर ही पूरे परिवार के मतदाताओं का वेरिफिकेशन किया जा सकेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछे सवाल। आगामी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में डूबी हैं। प्रचार प्रसार के दौरान सामने वाली पार्टियों पर बयानबाजी करने से भी नहीं चूक रही हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से सवाल करते हुए एक ट्वीट कर पूछा है कि विशेष राज्य के दर्जा के लिए पटना से दिल्ली तक अधिकार रैली करने वाले नीतीश जी स्पेशल स्टेटस पर अब मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्या कुर्सी के लिए इतना गिरना ठीक है? केंद्र और राज्य में एनडीए की सरकार है, फिर किसने बिहार के वाजिब हक को रोका हुआ है? दक्षिण भारत में भी अब दिखेगी बिहार की शाही लीची। दक्षिण भारत में रह रहे बिहारी अक्सर बिहार की शाही लीची का जिक्र करते नजर आते हैं, मगर शाही लीची के महज जिक्र से काम नहीं चलाना पड़ेगा। उत्तर भारत में रह रहे लोग अब शाही लीची का स्वाद चख सकेंगे। बिहार में लीची का स्वाद लोग आमतौर पर गर्मी में चखते हैं, जबकि दक्षिण भारत के लोग लीची का आनंद नवंबर दिसंबर महीने में ले सकेंगे। आपको बता दें, मुजफ्फरपुर स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक विशाल नाथ के अनुसार इस बार सर्दियों में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इसकी फसल तैयार की जाएगी। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। 10वीं की परीक्षा से पहले छात्रों को देना होगा मॉक टेस्ट। परीक्षार्थी परीक्षा से पहले अपना सही आकलन खुद कर सके, इसलिए पहली बार मैट्रिक परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों के लिए मॉक टेस्ट की व्यवस्था की जा रही है। स्कूलों में यह मॉक टेस्ट 15 नवंबर से शुरू होगा। परीक्षा के दौरान किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना है, इसकी जानकारी भी परीक्षार्थियों को खुद मिल सकेगी। आपको बता दें, मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा 7 नवंबर से शुरू होगी, जिसके पश्चात मॉक टेस्ट शुरू कर दिया जाएगा। उपचुनाव को लेकर जदयू ने किया दावा। बिहार में एक लोकसभा और 5 विधानसभा की सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में जुट गई हैं। ऐसे में बिहार की सत्ताधीन जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने दावा किया है कि आगामी उपचुनाव में सारी सीटों पर एनडीए गठबंधन की ही जीत होगी। आपको बता दें, 21 अक्टूबर को मतदान होने वाले हैं और सभी पार्टियों के प्रचार प्रसार पर भी पूर्ण विराम लग गया है।
बैडमिंटन प्रतियोगिता में छाई बिहार की फिजा। कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से गया में आयोजित राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के कैमूर की फिजा ने बिहार के नाम एक और उपलब्धि दर्ज कर दी है। बिहार अंडर 14 बालिका वर्ग के बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की चैंपियन कैमूर जिले की फिजा हसन बनी है। आपको बता दें, फिजा ने यह खिताब 5वीं बार हासिल किया है। खगड़िया जाने वाले इन पर्यटक स्थल पर जरूर जाएं। खगड़िया जाने वाले लोग इन मशहूर धार्मिक स्थलों का भ्रमण करना ना भूलें। कत्यानी स्थान, सनहौली दुर्गा स्थान, इसके अलावा श्यामलाल नेशनल हाई स्कूल और भरतखंड गांव के स्थित 52 कोठी 53 द्वार भी घूमने जा सकते हैं। पटना से खगड़िया जाने के लिए बस और ट्रेन दोनों की सुविधा उपलब्ध है। ट्रेन से जाने वाले यात्रियों को 2 से 2.5 घंटे का सफर करना होगा, वहीं बस से जाने वाले यात्रियों को 4 से 4.5 घंटे का सफर करना होगा। सीपीआई कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे कन्हैया। आगामी उपचुनाव के मद्देनजर कन्हैया नाथनगर विधानसभा उपचुनाव के भागलपुर के शाहजंगी में सीपीआई के नेता सुधीर शर्मा के पक्ष में प्रचार के लिए पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोग देश को जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम से बांटना चाहते हैं, लेकिन विकास तभी मुमकिन है जब लोगों में एकजुटता होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार को जनता की फिक्र नहीं है, हमारा हाथ मजबूत होगा तब जनता की आवाज को हम उठाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार सरकार पर कसा तंज। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि नीतीश सरकार बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसके कारण युवाओं का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। कुशवाहा का यह बयान कई राज्यों के ग्रुप सी और ग्रुप डी में नियुक्ति पर किए गए फैसले को लेकर था, जिसका सीधा असर बिहार के शिक्षित बेरोजगारों को देखने को मिल रहा है। भाजपा जदयू गठबंधन पर शक्ति सिंह गोहिल ने दिया बयान। बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि इतिहास गवाह है कि भाजपा महज अपनी कुर्सी बचाना चाहती है। जम्मू कश्मीर में जब शासन की जरूरत पड़ी तो महबूबा मुफ्ती और उसके पिता के साथ सरकार बनाई, और जब जरूरत खत्म हो गई तो गठबंधन अलग थलग कर दिया। यही काम वो जल्द ही जदयू के साथ भी करेगा। आने वाले दिनों में बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पॉलिटिक्स खत्म कर देगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।